राधा वल्लभ लाल ने यहाँ आके वृंदावन प्रकट किया है। ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में बुढ़े हो गए और भक्ति नवयौवना हो गई है। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित्ता। वृंदावन की भूमि ही प्रेम भूमि है, दूसरा काम ही नहीं है यहाँ। तो ये भक्ति को भी पूरक करने वाली, भक्ति को भी पोषण देने वाली भूमि है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत। मैं आपके साथ भोपाल ठाकुर, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज मैं मौजूद हूँ राधा वल्लभ मंदिर में और मेरे साथ मौजूद हैं जय जय और कौन नहीं जानता जो परिचय के मोहताज नहीं है। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में नवनिर्माण भारत में। प्रभु जी श्री हरिवंश, सबसे पहले मैं प्रभु जी पूछना चाहूँगा श्री राधा वल्लभ मंदिर की महिमा के बारे में, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। राधा वल्लभ लाल इस वृंदावन के सबसे प्राचीन, जिनसे पहले इस वृंदावन में कोई नहीं, जितने भी आप मंदिर और देवालय देख रहे हैं सब यहाँ आके बने हैं। राधा वल्लभ लाल ने यहाँ आके वृंदावन प्रकट किया है। हरिवंश महाप्रभु जब लेके आए हैं इनको, तब वृंदावन प्रकट हुआ है जी। ये कब लेके आए थे इनको? संवत 1564 में राधा वल्लभ लाल को लेके आए हैं यहाँ वृंदावन हरिवंश महाप्रभु। मदन टेर करके ऊंची ठौर पे विराजमान कराया है यमुना किनारे पे। उनके जीवन काल में इस वृंदावन में कोई मंदिर नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। तो बांके बिहारी मंदिर भी ये सब बाद के हैं, तो सब बाद के हैं, जितने भी आप देख रहे हैं। हरिवंश महाप्रभु सर्वप्रथम राधा वल्लभ लाल को लेके आए हैं। उन्होंने वृंदावन में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अपने जीवन काल में बंद रखा। बड़े बड़े राजा आए मंदिर बनवाने के लिए नहीं। श्री हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित्ता, तहा ना वैभव आन की। राधा वल्लभ लाल को वहाँ लेके विराजमान किया है लताओं के मंदिर में जी। राधा वल्लभ में ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये कार्यक्रम पिछले एक महीने से चल रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में आप बताएंगे इसकी क्या महत्वता है और कब से ये कार्यक्रम चला आ रहा है? अक्षय तीज से लेकर रथ यात्रा तक ये फूल बंगला चलते हैं जी। राधा वल्लभ लाल को सखियां नई नई कुंजों में, फूलों की कुंजों में विराजमान करके उनको सुख देने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए इन कुंजों की रचनाएं करती हैं और रोज सब रसिक लोग इसका आनंद लेते हैं। कितने दिन ये प्रोग्राम चलता है? ये 2 महीना लगातार, गर्मी के दिनों में 2 महीने ये उत्सव चलते हैं फूल बंगला के। वैसे तो नित्योत्सव आए वृंदावन में, दिन कम है और उत्सव ज़्यादा हैं। इस समय ग्रीष्म ऋतु में फूलों की कुंज में, फूल बंगला में राधा वल्लभ लाल विराजमान होते हैं। प्रभु जी राधा वल्लभ जी के दर्शन कितने बजे से कितने बजे तक गर्मियों में मिलते हैं और यहाँ दर्शन करके किस प्रकार की कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भक्तों? भैया हम तो एक तो ये दर्शन का समय कोई रेल नहीं है कि इतने बजे आएगी जी। हम हमारे अधीन नहीं है प्रभु कि हम उनका समय निर्धारित कर सकें। ये तो इतने आज 500 साल से उनके संग में हैं तो अंदाज है कि इतना तो लगभग बता सकते हैं कि जैसे मंगला सुबह 5:30 बजे, फिर उसके बाद में 8 बजे से 8:30 के बीच में धूप आरती और श्रृंगार आरती, लगभग 12 बजे करीब राजभोग आरती, ऐसे ही शाम को 5:15 से के लगभग खुले दर्शन धूप आरती और संध्या आरती, फिर लगभग 9:30 के करीब शयन आरती। कोई बंद समय का फिक्स नहीं है क्योंकि उन्हें समय में कोई नहीं बांध सकता जी। तो महाराज जी आपकी अक्सर वीडियो देखी गई हैं और प्रेमानंद महाराज जी के साथ में, तो बताते हैं प्रेमानंद महाराज जी के आप गुरु हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या दर्शक इसकी भी बहुत, उसमें क्या बताएं भैया जी, ऐसे हजारों शिष्य हैं। अच्छा, अब किन किन का नाम लेके बताएं हम? प्रेमानंद जी के, महाराज जी के साथ आपकी बहुत चर्चाएं की जाती हैं, बहुत प्रेम भाव मानते हैं आप। तो जितने शिष्य हैं सब मानते हैं वो प्रेम, तो जी कोई अलग से नहीं है, जितने भी हैं वो सब प्रेम रखते हैं। यहाँ तो वृंदावन की भूमि ही प्रेम भूमि है, दूसरा काम ही नहीं है यहाँ।
ना वजन भूमि है, ना दान भूमि है, ना कर्म भूमि है, ये तो भाव भूमि है। तो प्रभु जी, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें वृंदावन को लेकर चर्चा हो रही थी। वृंदा को तुलसी का वन कहा जाता है, वृंदावन को, तो इसके बारे में आप बताएंगे। भाई ये तुलसी का वन कैसे कह सकते हैं, ये हमें यही समझ में नहीं आता है। तुलसी का वन हो सकता है? विचार करो जी। वृंदावन का मतलब ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक जगह शंकर जी कह रहे हैं कि वृंदावन वो स्थान जहाँ भक्ति का सिंचन हो। वृंदावन का मतलब है जहाँ भक्ति का सिंचन हो। आपने भागवत में भी उदाहरण दे रहे हैं, कथा आ रही है इस चीज की कि वहाँ पे ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में बुढ़े हो गए और भक्ति नवयौवना हो गई है जी। तो ये भक्ति को भी पूरक करने वाली, भक्ति को भी पोषण देने वाली भूमि है। ये वो भूमि है वृंदावन, ये तुलसी का वन नहीं है। तो वृंदावन को क्या कह सकते हैं? वृंदावन भक्ति का सिंचन करने वाली जगह, जहाँ भक्ति की वृद्धि हो, भक्ति को और ताकत मिले, ये वो जगह है वृंदावन। भक्ति उत्पन्न वृंदावन से होती है? नहीं, उत्पन्न नहीं, आपको उसको पोषित करने वाली जगह है ये वृंदावन। भक्ति को, आपकी भक्ति है, अगर छोटा पौधा है तो यहाँ पे आएंगे तो वो दरखत बन जाएगी बड़ी। ठीक है, अब रघु जी और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों? बस भैया, प्रेम, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ब्रज भाषा में भी मैं चाहूंगा आप कोई संदेश हमारे ब्रजवासियों के लिए और दर्शकों के लिए आपसे। भैया जी, तो वृंदावन की भूमि है, ये है प्रेम से ओतप्रोत, जहाँ में प्रेमी प्रेम चाहिए और कछु ना चाहिए। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ मौजूद थे महाराज जी जय जय प्रभु। आज उनसे बात हुई वृंदावन को लेकर, राधा वल्लभ मंदिर को लेकर के, बहुत ही अच्छी चर्चा रही है। और दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, अक्सर हम महाराज जी से बात करते रहेंगे। आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत, गोपाल ठाकुर के साथ शिवम ठाकुर के साथ।